खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने पिछले कई दिनों से लापता प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा कर लिया है। पुलिस के अनुसार पहले लूट का प्रयास और फिर पकड़े जाने के डर से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा दो आरोपियों को दबोचकर लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव बरामद किया गया है और पुलिस के द्वारा फरार आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि रामशंकर लक्सर के खानपुर में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, जो बीते 8 दिसंबर से लापता चल रहे थे, जिसके बाद उनके परिजनों ने उनकी गुमशुदगी खानपुर थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना खानपुर पर गुमशुदगी दर्ज की गई, जिसके बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल द्वारा गुमशुदा की तलाश के लिए एसपी ग्रामीण और सीओ लक्सर के निकट पर्यवेक्षण में विशेष टीम का गठन किया गया। खानपुर थाना पुलिस ने रामशंकर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों की विश्रांतिगृह पर मृतक का शव बरामद कर लिया है। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। दिसंबर को थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति रमेश चंद, जो कुड़का वाला डोईवाला के रहने वाले हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनका पुत्र रमाशंकर, जो खानपुर क्षेत्र में ही प्रॉपर्टी का काम करता है, वो मिसिंग आ रहा है। उसके फ़ोन पर मिलाने पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज करके आगे की हम लोगों ने इसकी जाँच पड़ताल शुरू करी। इस बीच है मृतक के कुछ बटुआ, कुछ सामान हमें पुलिस को प्राप्त हुआ था, तो ये बात बहुत क्लियर हो रही थी कि ये व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो गई है। इसलिए पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए उस मृतक के, उस व्यक्ति के जितने भी सराउंडिंग्स में जो लोग थे, उन लोगों से पूछताछ करके, सर्विलांस का उपयोग करके और सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोगों के द्वारा इसमें खंगाला गया था। इसमें 3 लोग संदिग्ध हमें प्राप्त हुए थे, मिले थे। 8 तारीख को घर से निकले थे सुबह, इनके यहाँ ऑफिस है लक्सर में, और ऑफिस के लिए निकले थे कि कुछ खेत में तार वार वगैरह करानी है, तो उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पहुँच के फिर कुछ लोग इनको मिले तार वार कराने के लिए, जिस जो उस खेत में पहुँचे जहाँ तार वार होनी थी। तो तब फिर वहाँ पर एक कोई यहीं का कोई उनके जानने वाला ही था, रॉबिन नाम का लड़का, उनको मिला तो उनके साथ बैठा कि हम ये तार वार वगैरह हम करवा देंगे। उनको लेके गए वहाँ पे, तो फिर उनसे जो है उनको पकड़ लिया वहाँ पर, और भी उनके साथी थे वहाँ एक साथ इकट्ठे हो गए, और फिर साथ में उन्होंने जो है उनसे जो पैसा वगैरह था उनके पास सब छीन लिया, फ़ोन वगैरह, और डरा धमका के UPI वगैरह नंबर ले लिया उनसे, फ़ोन भी। दोपहर को इधर से आए हैं घर से, उस दिन अकेले आए थे, और 8 तारीख से 3:30 बजे के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। शाम तक नहीं पहुँचे थे हम लोगों ने जानकारी निकाली, फिर रात को हम लोग यहाँ ढूंढने आए। उसी दिन हमने रिपोर्ट वगैरह भी कराई, पुलिस तुरंत हमारे साथ गई खेत वगैरह में भी देखा जाके, जहाँ कारोबार के लिए गए थे तो वहाँ कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन हमने जाँच करनी शुरू करवाई, ढूंढना शुरू करा। दूसरे दिन इनका वॉलेट मिला, उसमें कागज़ वगैरह थे, फिर सर्च करा, और सर्च करने के बाद फिर उसके दूसरे दिन हेलमेट और टोपी बरामद हुई इनकी, गुड़िया के पास।